हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो ये वीडियो रहेगा वो रहेगा केवीएस के पैटर्न के बारे में, कि केवीएस में पीजीटी बायोलॉजी का जो पेपर है उसमें जो 180 क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से इसे शेयर कीजिए। इस चैनल पे मैं पीजीटी बायोलॉजी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड इन टीचर वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही साथ हम स्ट्रेटजी और साथ ही साथ स्टडी मटीरियल की भी हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करें केवीएस की, तो केवीएस का जो पेपर है वो एक ही पेपर होता है, और जो लास्ट जो केवीएस थी उसमें ये ऑनलाइन मोड से हुआ था, ऑनलाइन एग्जामिनेशन अपना हुआ था। अब इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो हुआ था, 3 घंटे का जो पेपर चला था, उसमें टोटल 180 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। उस 180 क्वेश्चन में से जो 100 क्वेश्चंस थे वो 100 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के थे, हमारे सब्जेक्ट के। जैसे मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन थे, जो कि आपके उस 100 क्वेश्चन में से 85% क्वेश्चन 11th और 12th की एनसीईआरटी से पूछे गए थे, जैसे कि नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको पहले फर्दर वीडियो में बता रखा है। आज मैं बात करूँगी कि बाकी के जो 80 क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको क्या करना है, वो 80 क्वेश्चन कौन से पोर्शन से आते हैं और उसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। तो बात करें 80 क्वेश्चंस की स्टार्टिंग के, तो उन 80 क्वेश्चन में मैं बात करूं तो सबसे पहले इसके अलग अलग पोर्शंस हैं, ठीक है। इसमें आपको सबसे फर्स्ट जो मिलेंगे वो इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस। ये इंग्लिश के क्वेश्चन जिसमें आपको पैसेस टाइप में मिलेंगे, एंटोनिम सिनोनिम ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको है। नॉर्मल जो आपने अभी तक ग्रामर पढ़ी है, जो इंग्लिश आपने पढ़ी है, वहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। कोई एज मच आपको बहुत ज़्यादा इसमें टेंस होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इंग्लिश में ज़्यादा एंटोनिम सिनोनिम मुझे वहाँ देखने को मिले, साथ ही साथ आपके एक्टिव पैसिव, ये आपके आते ही हैं एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये जो हैं वो टॉपिक आपके आएंगे। बात करें सेकेंड पोर्शन की, तो सेकेंड पोर्शन है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी जो मैंने पेपर दिया, क्योंकि मैंने केवीएस में तीनों ही पेपर दिए थे, पीआरटी भी दिया था, टीजीटी भी दिया था और मैंने पीजीटी भी दिया था, तो हिंदी मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी इजी लगी, ठीक है। हिंदी में भी वही संधि आई, ठीक है, नॉर्मली पैसे जाए, पर्यायवाची वगैरह, ऐसे 10 क्वेश्चन कुल मिला के ऐसे आपके आए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पेपर भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है जूलॉजी बाय मोना शेखावत के नेम से, आप टेलीग्राम पे जाके इसको सर्च कर लेना, आपको जूलॉजी बाय मोना शेखावत वहाँ पे मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। बहुत से स्टडी मटेरियल क्वेश्चन पेपर्स मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करती हूँ, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो पहला पोर्शन मैंने आपको बताया जनरल इंग्लिश, जिसके 10 क्वेश्चन आते हैं, फिर है जनरल हिंदी, जिसके भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, केवीएस का जो पेपर हुआ था ये, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो ज़्यादा टेंशन की भी यहाँ पे बात नहीं है। तो आपको जो भी आपको लग रहा है आप उसको कीजिए। बात करें थर्ड है आपकी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मल जो आपके, अब ये इसका ये बहुत बड़ा वाइड है ना, बहुत वाइड है, कहीं से भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं उस पेपर में आपके काम आ जाता है, या फिर कुछ भी गाइड वगैरह आप लाते हो उसमें जितना मटेरियल है, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग देते हैं कि पेपर पहले कैसा आया, तो वो आपके काम में आ जाएगा। करंट अफेयर आपके इंडियन लेवल की आती है, जिसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, कोई गेम्स वगैरह भी रिसेंटली हुए हैं वो आते हैं, पुरस्कार वगैरह पूछे जाते हैं, तो वैसे प्रिपरेशन आपको करनी है। बात करें नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी, जिसके 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन में एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था, एक वो आता ना पंक्ति में बिठा देते हैं, दाएं बाएं बैठा है, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ था, तो मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको बताया हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, टोटल हुए 20।
फिर मैंने जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 10 बता दिए, 30 क्वेश्चन हो गए। पांच पांच मैंने बता दिए आपको कंप्यूटर और रीजनिंग के, तो अभी तक 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये जो 40 क्वेश्चन हैं, अगर मैं बात करूँ, अगर आपने एक रेगुलर आप तैयारी करने वाले हो, आपने इतना पढ़ा है, तो इन 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो आप नॉर्मली कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है, आप कर लोगे। उसमें हिंदी इंग्लिश इन सबको मिला के 20 क्वेश्चन तो आसानी से आप कर सकते हो। बाकी के और ज़्यादा मार्क्स करने के लिए आपको थोड़ा इसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जैसे जनरल अवेयरनेस की मैंने आपसे बात की तो बहुत वाइड है, आप कितना पढ़े। जैसे मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं था एक तरीके से, आप मान के चलो मेरी जो फर्दर प्रिपरेशन थी वो मेरे वहाँ यहाँ पर काम आई थी। बात करें नेक्स्ट है, जो थर्ड इसका पार्ट है वो, मतलब 40 क्वेश्चंस ये हो गए, बाकी के जो 40 क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं प्रस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। इसमें आपको एक तरीके से आप चाइल्ड पैडागोगी की बात करोगे, ठीक है, बाल मनोविज्ञान है उसकी बात करोगे, आपकी जो शिक्षा नीति नई आई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, एनालिटिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे कि कक्षा में बालक ऐसा काम करता है तो आप किस तरीके से डील करोगे, तो कुल मिला के ये 40 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे, वो ही सारे व्यवहारात्मक वगैरह वो सब आपको देखने पड़ेंगे। तो ये आपके 40 पहले मैंने आपसे डिस्कस किए, 40 मैंने आपसे अब डिस्कस किए, मतलब 80 क्वेश्चन आपके ये आ जाते हैं। तो आपका जो पेपर होगा 180 मार्क्स का, वो दो पार्ट में बटा होगा, ठीक है। तो ये आपके ये वाला सब्जेक्ट से अलग हो जाएगा, और बाकी के जो क्वेश्चन 100 है वो सिर्फ सब्जेक्ट के आपसे पूछे जाएंगे, मतलब 80 नंबर तक आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और उसके बाद में आपके जो बायोलॉजी है उसके क्वेश्चन वहाँ पे आपके शो होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैडम इसकी तैयारी कहाँ से करें, कोई बुक्स वगैरह? तो देखो PGT बायोलॉजी के लिए अगर मैं बात करूँ हिंदी इंग्लिश ये रीजनिंग वगैरह, तो कोई भी मार्केट में जाके आप एक गाइड उसको बोल देना, हरियंत की भी ला सकते हो आप, यूथ पब्लिकेशन की भी ला सकते हो, अमेज़ोन पे भी आप सर्च करोगे PGT बुक करके, KVS PGT बुक करके, तो आपको काफ़ी सारी बुक्स वहाँ पे हो जाएगी। और ये हमें भी पता है कि कहीं ना कहीं हिंदी इंग्लिश रीजनिंग वगैरह सब में एक जैसी होती है, तो वहाँ हमें ज़्यादा बॉदरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उसको पढ़ लोगे, थोड़ी बहुत भी उसमें कर लोगे, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप कोई भी फर्दर बुक लेकर उसमें से इन टॉपिक्स को सिलेबस वाइज क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि अभी वैकेंसी आने का भी कोई है नहीं कि अभी आएगी, क्योंकि अभी लास्ट ये जो अक्टूबर नवंबर था उसमें वो पूरी कंप्लीट हुई थी, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप वहाँ पर आसानी से उसको कर सकते हो। तो ये मैंने जो वीडियो बनाया ये पेपर वन के लिए था, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप आसानी से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, और फिर आपकी जो पेपर होगा उसके बाद में आपकी कट ऑफ निकलेगी, और फिर आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होने के बाद में आपके फाइनल कट ऑफ मार्क्स आते हैं, जिस बेसिस पे आपको पोस्टिंग मिलती है। तो KVS का ये पैटर्न रहता है, और जहाँ तक मैंने सुना है वो NVS का भी कुछ ऐसा ही पैटर्न रहता है जैसा कि KVS का रहता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में PGT या नवोदय में PGT लगना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान रखें, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। जैसे पिछली बार जो कट ऑफ है वो माल्या 130 या 125 इतनी ही गई थी, तो 135 अगर गई है 180 में से या 125 गई है, तो 100 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के ही थे, और बाकी 80 में से आप साइकोलॉजी में आप नॉर्मल भी करोगे बिना नेगेटिव मार्किंग के, 40 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आ रहे हैं, तो 20 तो हम कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हम नहीं भी पढ़ेंगे, क्योंकि एनालिटिक है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, इतना हम में दिमाग है कि हम उनका क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर सकते हैं, हिंदी के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं हम, तो वहाँ हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर को लेके, तो मात्र 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंस मत होना कि हम कितनी GK पढ़े, छोड़ भी दोगे तो क्या दिक्कत है, अगर भाई 5 क्योंकि वो बहुत पुराना पता नहीं क्या क्या ही पूछते, तो मैंने तो उसको इतना नहीं लिया था। हिंदी इंग्लिश पे अच्छी कमांड रखो, रीजनिंग कंप्यूटर और पैडागोगी उस पे आप अच्छी क्या रखो अपनी कमांड रखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा जो मैटर करेगा वो करेगा सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और सब्जेक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ 11th 12th की NCERT पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर वो पूरी आपने अच्छे से कर ली ना, तो फिर आपकी KVS की पोस्ट को आपसे कोई नहीं छीन सकता, सब कुछ आपकी उस NCERT के ऊपर ही डिपेंड है। मैंने आपको पहले भी कहा था 85% क्वेश्चन NCERT के डायरेक्ट उन्हीं बुक्स में से पूछा गया, लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सीधा आप नीट के 5 साल के पेपर सॉल्व करो, नीट के जो पिछले 5 साल के पेपर हैं वो सॉल्व करो। नीट से, नीट में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, स्टेटमेंट वाइज आते हैं, आपके असर्शन रीज़न आते हैं, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो मैं आपको इसका पेपर टेलीग्राम चैनल लोड कर दूँगी, आप उसे देख लेना। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।